मुख के नीचे करो, पकड़ ले इसको। अच्छे से दबा दो। ऐसा कभी अपने पहले किसी मिट्टू के हुआ है? ना, फर्स्ट मिट्टू के हुआ है नहीं ऐसा? इसका ऐसा पकड़ ले। इसके इधर वाला करने दे। इधर वाला हो गया? हाँ इधर वाला। हाँ इधर बाकी है। दबा के करना। यहाँ नीचे भी किए? नहीं बाकी है। पैर में सब खुजली करता है। गर्दन में भी करता है। मैं तो यहाँ दूर से करो, दूर से। आँखों में जाए कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई नीम का पानी इसकी कोई इसको पूरा मिला देना। इसकी पूछ की तरफ कर, इसको नीचे भी करना ऐसे उल्टा करके। हाँ ऐसे बस रुक जा, गर्दन के पास कर बस। तो पूरा तेरे को मिला देना है। बहुत बाल खुरता है, खुजाल करता है। कीटाणु हो तो कीटाणु इतने बबड़ा की पूछता आ रही है लेकिन। अभी आराम हल्दी भी मलना भी पड़े। एंटीसेप्टिक रह के डॉक्टर या कहे वही क्या भाग्य टूटी पड़े थे ना। हाँ पर वाकई गीला होने के बाद देखो कितने बाल उतर गए इसके बबड़ू के। वो थे कि आज सारे मिट्टू की सर्विस हो रही है। पर ये प्रॉब्लम तो पहली वक्त आपने भी देखी है मम्मी। रुक 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 कम दम लगे। हाँ पहले पण बबड़ू पूरो सफेद से थे गयो। नीम नीम गया गल गले में मेरे भी गया। आजा मिट्टू क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? अच्छा दवाई कर देते अपन, दवाई कर दे खुजली नहीं आएगी। इसके इनके बाल जो थोड़े से रिवर्स में लेजर ले जाके आप नहीं कर सकते? ये करना ही नहीं देंगे इनके। कोई नहीं चले जाए पक जाए। इन्हें तो प्रॉब्लम नहीं है। एक भी दे, एक भी निकली मतलब निकली छाती भी निकली। एक भी तो हमें निकली कहीं नहीं होता। चलो, चलो, सीजन है। आप सोच रहे होंगे ये मिट्टू पे टोनर क्यों लगा रहे हैं। हमने टोनर वाली बॉटल में मिट्टू के लिए नीम के पत्तों का रस निकाल के फिर उसको अच्छे से उबाल के इनके ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि मिट्टू है ना आजकल बहुत ज़्यादा इनके पूरी बॉडी पे खुजली कर करके बाल उतार रहे हैं। और एक जो बड़ा मिट्टू है हमारा उसके तो लगभग सारे ही बाल झड़ चुके हैं। तो उनके बारे में हमने पूरी सर्च की, तो हो सकता है कुछ बैक्टीरिया वगैरह कुछ लग जाते हैं उससे इनके बाल झड़ते हैं। तो नीम का पत्ता क्या होता है बैक्टीरिया वगैरह को मार भी देता है और एंटीसेप्टिक भी रहता है, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब उनका लगभग चुको अपन को 15-20 दिन तक तो करना ही पड़ेगा ना ये, तो ही वो सही हो पाएगा। तो बिल्कुल कंप्लीट हरा भरा हो जाएगा, नहीं तो पूरा अभी वाइट वाइट हो रखा है। आपने दिखा, आपने जैसे कि देखा ही होगा जो सबसे ज़्यादा बोलता है ना मिट्टू वो। भाई जी को कल जल्दी शादी में जाना था तो शाम कल सुबह के भी बर्तन छोड़ के गए हैं और कल रात के भी बर्तन पड़े हुए हैं। इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए और मुझे बनाना है सुबह का खाना, तो खाना कैसे बनाऊँ? सारे बर्तन तो जूठे पड़े हुए हैं, तो अभी सारे बर्तन साफ करती हूँ और फिर खाना बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने दाल बॉईल करने रख दी। और मैं क्या सोचती हूँ ना, नहाने से पहले जितना भी ये काम है सारा हो जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि गीले होने का काम नहाने के बाद करने का नहीं होता है। ग्लव्स पहन लेती हूँ तो हाथ फट जाएंगे मेरे, बहुत ज़बरदस्त के हाथ फट जाते हैं। अभी भी थोड़े थोड़े तो फटे हुए हैं। रोटियां बन गई, दाल बन गई है, चावल बन गए हैं और ये मैं, सारा काम भी लगभग हो गया है। अब स्टैंड वगैरह क्लीन कर दूँ मैं और खाना भी सारा डाइनिंग पे लगा देती हूँ ताकि हम सब जने बैठ के खा लें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं जा रही हूँ शॉप पे क्योंकि ब्राइडल हमारी आ चुकी है। आज मैं काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, 3 बज चुकी हैं और टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है। अब जाती हूँ क्योंकि आज मुझे ब्राइडल को ही रेडी करना है और अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ से जो मेरा हाथ दर्द होता है
वो फिर से दर्द होना चालू हो गया। आज इसको दर्द होना था क्योंकि आज काम भी बहुत ज़्यादा है। आज इनका हम रिसेप्शन लुक क्रिएट करेंगे। चलो अब इनके लहंगा वहंगा, इन्होंने ब्लाउज वगैरह सब कंप्लीट पहन लिया है तो आइडिया भी कंप्लीट लगेगा। अब मेकअप करते हैं, चलो सब जने चलो मेकअप करते हैं। रेडी हो जाओ। रेडी हो गई है, इनकी आंखों में अभी आईलैशेस लगाई हुई है इसलिए हम इनके आईज खुलवा नहीं सकते। अब इनका जाएंगे हम फोटोशूट करने के लिए और अच्छे अच्छे आपको फोटोज क्लिक करके बताएंगे। फाइनली हमारी ब्राइड रेडी हो चुकी है। ब्राइड को जब भेजने का टाइम था तब तो मैं क्या बिजी हुई हूँ, मैं आगे वाली शॉप पे बिजी हो गई। तमन्ना दीदी ने जैसे तैसे करके फोटो शूट किया, तमन्ना दीदी गिरते गिरते रह गए। पर यार इतना स्ट्रगल कर दिया मेरे लिए जोरदार वाला। उसने पूरा शूट हुआ वो केम वो कैमरा बंद करूँ उससे पहले तो है ना मैं गिर गई है। गिर गए पकड़ के पीछे से पूरा वो होता है ऑरेंज कलर। कैसा लगा पास्ता? अच्छा। हाँ अब ऐसे बोल, थोड़ा और अच्छे से बोल। अच्छा ही। अच्छा। ये वापिस लबड़ाया है तू? बाल के लब तेरे बाल कैसे लग रहे हैं? अच्छा लग रहे हैं बाल एकदम। कभी कभी बालों में इसके थोड़ा सा कंडीशनर भी डाला कर, थोड़े बाल सिल्की रहेंगे। अच्छे ऐसे आगे आके रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। कैसे लगे बाल आप बोल? ऐसे नहीं बोलेगा। अच्छे ओके बाय। 6:30 हो गई है, हम कंप्लीट फ्री हो गए आज। पूरा दिन क्लाइंट्स भी थे और मेकअप भी था। मैं तो हालांकि बहुत ज़्यादा लेट आई थी, 3:30 या 3 तो बजी गई थी मुझे आते आते। तो मैंने आके डायरेक्ट ब्राइड ही अटेंड करी, आगे शॉप करो पर बहुत ज़्यादा कस्टमर थे तो मैं पीछे भी अटेंड कर रही थी आगे भी अटेंड कर रही थी। बहुत ज़बरदस्त हेक्टिक हो गया था शेड्यूल। चिक्कू आ गए मेरे को लेने के लिए तो अब मैं चली जाती हूँ। फिक्स 6:30 बजे आए लेने के लिए। हाँ यार हाथ बहुत ज्यादा दुख रहा है यार। जाना है बताना? बहुत ज्यादा दुख रहा है, ऐसे कैसे नहीं हो रहा। हाँ घर पे आ गई हूँ अभी, जस्ट हाथ की फिजियोथेरेपी करवा के आई हूँ तो इस हाथ को थोड़ा रेस्ट देना है क्योंकि ये हाथ बहुत ज्यादा दुख रहा है यार। रेस्ट में से खुला है, आ जाओ ना। मैं और चिकू दोनों जने ही है घर पे, मम्मी पापा शादी में गए हैं तो मुझे तो यार अभी थोड़ा रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने बोला और हाथ दुख भी रहा है तो मैं खाना नहीं बना रही हूँ आज। तो आज चिको लेके आए हैं खाने में पिज़्ज़ा। और क्या लाया? डिब्बे में क्या लेके आए? खजूर। खजूर कहाँ से लाए खजूर? चलो देखते हैं। पान भी लेके आए हो? अच्छा तो कैंडल वेंडल्स लगाओ। 17 पे ही तो है, कूल पे ही है, वोल्टेज नहीं आ रहा है। वोल्टेज नहीं, फैन की स्पीड भी करनी पड़ती है। आज कुछ अलग बनवाया क्या? नहीं, दिखने में अलग दिख रहा है। मिट्टू के जो सुबह स्प्रे किया था ना उस वजह से क्या मिट्टू को आज खुजली चलो थोड़ी सी कम आ रही है पर किसी को टच करने नहीं दे रहा है। थोड़ा सा गुस्सा हो गया है चिकू पे, मुझे टच करने दे रहा है पर चिकू को टच करने नहीं दे रहा है। चिकू पे गुस्सा कर रहा है क्योंकि चिकू ने स्प्रे किया था ना पकड़ पकड़ के उल्टा सीधा सब। इसलिए यहाँ तक व्लॉग देखने के बाद आई होप आपको अच्छा लग गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। बाय।